हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डिफोलियो में। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले दो तीन वीडियो में मैंने जो फॉर्मूला मैंने बताया ये आज मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे लोग? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या था, याद है ना? म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और बाय आर। ये है हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। उससे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है? और मिरर फॉर्मूला क्या था, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी प्लस वन बाय यू। ये है मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था ब्लू? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद पढ़े होंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। याद तो होगा ही, वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बोलो इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। और इसी को इस तरह भी पूछता है, वन बाय एफ इज इक्वल टू बोलो यहां पे म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन और यहाँ पे वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ठीक है। यह है लेंस मेकर फॉर्मूला। वन बाय एफ इक्वल हम लोग पी भी लिख सकते हैं, तो पी इक्वल हो जाएगा बोलो म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन और यहाँ वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। तो ये क्या है बोलो? लेंस मेकर फॉर्मूला है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोलो? लेंस फॉर्मूला। ये आज हम लोग डिराइव करेंगे लेंस फॉर्मूला को। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है बोलो? वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू होता है, ठीक है। वहां पे हम लोग मिरर फॉर्मूला में पढ़े थे मैग्निफिकेशन पावर पढ़े थे ना, और एम इक्वल टू आया था माइनस वी बाय यू पढ़े थे कि नहीं? माइनस वी बाय यू, यानी कि रियल फॉर्मूला अगर देखा जाए इसका, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इज इक्वल टू आया था माइनस वी बाय यू, ठीक है। ये है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर, यही था ना? अच्छा, यहां पर भी हम लोग बात करेंगे तो एम इक्वल टू एच आई बाय एच नॉट इज इक्वल टू वी बाय यू, ठीक है। और एम अगर पॉजिटिव होगा, एम क्या होगा बोलो? एम का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है बोलो? इरेक्ट होता है, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अगर एम इक्वल टू क्या है बोलो? नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलो? एम का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो बोलेंगे रियल इमेज है, और रियल इमेज कैसा होता है बोलो? इनवर्टेड होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं, लेंस फॉर्मूला वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू को हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। उससे पहले ये सब फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बता दिया था, जो नहीं पता वो पिछला वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं वहां से और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे, लेंस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। और इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को रे डायग्राम के बारे में बताया था और सारा केसेस मैंने वहां पे बताया, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं रे डायग्राम को, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से अभी हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो गौर समझना, लेंस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला, अब पता चल गया होगा कि लेंस फॉर्मूला क्या है। लेंस फॉर्मूला होता है वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू, यह है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक लेंस लेते हैं, कन्वेक्स लेंस ही ले लेते हैं। यह है कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस गुजार देंगे। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये रहा ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है, इसको बोलेंगे ए बी, ठीक है। अब एक लाइट रे को क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार देंगे। और इस लेंस का मान लो फोकस यहाँ पे है, बोलो इधर कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस सरफेस का, और इस सरफेस का इधर कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। उसको हम लोग नहीं लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सीधे हम लोग ले लेते हैं। ये क्या है बोलो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और एक लाइट रे को पैरेलल गुजार देंगे, तो पैरेलल लाइट रे हमेशा कहां से पास करेगा बोलो? फोकस से।
तो पहला रे तो फोकस से पास कर गया इसे, दूसरा लाइट रे को कहां से पास कराऊंगा हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसको भी यहां से पास करा देते हैं, ठीक है, कहीं तो कटना चाहिए। चलो इसका इमेज आप देख सकते हैं, इसका इमेज कहां बन गया, यहां पे इमेज बन रहा है, यानी कि ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज कहां पे बन रहा है, बोलो, ए डैश बी डैश बन रहा है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा वी। ये वाला क्या है बोलो, ये है एफ, एफ मतलब फोकल लेंथ, ये क्या है बोलो, फोकल लेंथ। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस को मेजर करना है। और ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर पीछे है, अरे रे का डायरेक्शन ऐसे है, इसका पीछे जितना सारा डिस्टेंस आएगा सबको नेगेटिव लेंगे, और इसके आगे जितना सारा डिस्टेंस आएगा सबको क्या लेना है बोलो, पॉजिटिव लेना है। तो सिंपल सा याद रखो, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से देख सकते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश पर बन रहा है। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ क्या है, फोकल लेंथ, एफ क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है ना। चलो अब देखो, ध्यान समझना है, यहां से कुछ दिख रहा है क्या, ए बी ओ और ओ ए डैश बी डैश, ये एक सिमिलर ट्रायंगल होगा, मतलब इसका एंगल सेम होगा, सारा साइड सेम होगा। तो देख लो, ध्यान से देखना है, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ट्रायंगल ए बी और ओ एंड एंड बोलो ए डैश बी डैश ओ, दिख रहा है ना, ए बी ए डैश बी डैश ओ, ये सब है ना, ये जो है सिमिलर होगा, क्या होगा बोलो, सिमिलर ट्रायंगल होगा, सिमिलर होगा। और सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको अगर अच्छा से मैं यहाँ पे पिक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसे है, ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसा कुछ है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे है बोलो ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है ए डैश, और यहाँ पे है बोलो बी डैश, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है बोलो, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या, सिमिलर ट्रायंगल का साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, साइड का रेशियो क्या होता है बोलो, बराबर होगा। इसका मतलब है ए बी बाय ए डैश बी डैश होगा, ए बी बाय ए डैश बी डैश होगा इज इक्वल टू ये वाला बटा ये वाला, यानी कि ए ओ बाय ए डैश बी डैश। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन, सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड्स का रेशियो क्या होता है बोलो, बराबर होता है। तो ये वाला बटा ये वाला इक्वल टू ये वाला बटा ये वाला, कोई दिक्कत है क्या, ये तो समझ में आ गया होगा। चलो एक और ट्रायंगल दिख रहा है क्या, हाँ इसको देखो, हम लोग यहाँ से डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और इस पॉइंट का नाम हम डी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं बोलो डी। तो एक हो गया ये वाला ट्रायंगल और एक हो गया ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी आपस में क्या होगा बोलो, सिमिलर होगा, यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रायंगल ओ डी एफ जो है एंड एंड ए डैश बी डैश एफ आर क्या होगा बोलो, सिमिलर होगा, दिख रहा है ना, ये क्या होगा बोलो, सिमिलर होगा। तो फिर वही कहानी, सिमिलर ट्रायंगल का साइड का रेशियो क्या होगा बोलो, बराबर होता है। तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये ओ है, ये डी है, ठीक है, ये वाला बाबू, ये वाला एफ है, ये वाला बोलो, ये वाला है ए डैश, और ये वाला है बी डैश। फिर उसी तरह करेंगे ओ डी बाय ए डैश बी डैश, यानी दो ओ डी बाय ए डैश बी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू ओ एफ बाय ए डैश एफ, ओ एफ बाय ए डैश एफ, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक हो गया। अब देखो गौर से यहाँ पे समझना, OD का हाइट और AB का हाइट तो बराबर होगा, ये वाला और ये वाला हाइट क्या है बोलो, बराबर है। मतलब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बोलेंगे कि AB जो है वो किसके बराबर है बोलो, OD के बराबर है, OD के बराबर है। तो OD के जगह हम क्या लिख सकते हैं बोलो, AB लिख सकते हैं। तो इसी को लिख देंगे यहाँ पे AB by A dash B dash is equal to OF by A dash, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर टू बोलेंगे। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिखेंगे बोलो, ये दोनों आपस में क्या है बोलो, बराबर है। तो ये वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं ए ओ, मतलब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से,
ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से, इसको टू लिखते हैं, वन एंड टू से, तो वन एंड टू से क्या होगा बताओ, ये वाला भी आपस में क्या होगा बोलो, बराबर होगा, मतलब ए ओ बाय ए डैश बी डैश होगा इज इक्वल टू ओ एफ बाय ए डैश एफ होगा, ओ एफ ना, ओ एफ बाय बोलो ए डैश एफ होगा, ए डैश एफ होगा। क्या इसको अच्छा से और लिख सकते हैं हम, तो देखो यहीं पे मैं लिख रहा हूं ए ओ बाय ए डैश बी डैश। अब तुम बताओ यहां से गौर से ध्यान समझना, ओ एफ, ओ एफ मतलब ये वाला है, इसको हम क्या बोले एफ, तो यहां लिख दो इसके जवाब पे आप लिख दी, ठीक है ना, बाय ए डैश एफ, ए डैश एफ का मतलब क्या समझेंगे ग्रुप, ए डैश एफ ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस में ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, मतलब हो जाएगा वी माइनस एफ, क्या हो जाएगा ग्रुप, वी माइनस एफ होगा कि नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस हमको क्या करना है ग्रुप, फाइंड आउट करना है, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये वाला डिस्टेंस में ये एफ वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला निकल जाएगा, तो ये वाला नेचर कितना है ब्रो, v माइनस एफ, एक्चुअली यहाँ पे कितना आ चुका है ब्रो, v माइनस एफ, कोई दिक्कत है क्या, ये डिस्टेंस कितना होगा ब्रो, v माइनस एफ, यहाँ तक समझ में आ गया ना, बस इसको और कैलकुलेशन करना और आगे बढ़ाना है, यहाँ तक क्लियर है, मिटा सकते हैं इसको, ओके, तो गौर से देखना यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे फटाक से, यहां पे देखो AO, AO दिख रहा है AO, ये क्या है ब्लू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और लेफ्ट साइड में आपको लेना है नेगेटिव, तो यहां पे जो मेरे पास बनेगा वो माइनस यू, ठीक है, और एडेस बीडेस, एडेस बीडेस मतलब यहां से आते हैं, इसको क्या है वी, और राइट साइड में तो पॉजिटिव, तो ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस, इज इक्वल टू बोलो एफ बाय वी माइनस एफ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे और इसको ऐसे, इसको यहां से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा बोलो, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, तो वी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से यहां करेगा तो माइनस यू वी होगा ना, और माइनस माइनस प्लस यू एफ, कोई दिक्कत है क्या, इस टर्म को इधर ले और इसको इधर ले जाते हैं, होगा यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ, कोई दिक्कत है क्या। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ से क्या करना है लो, डिवाइड कर देना, यू वी एफ से क्या करना, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, लिखो यू बाय वी by u v f is equal to u by u into f, और इसको डिवाइड करना बोलो u v f से, फिर माइनस दो v f और फिर डिवाइड करो किसे, u v f से क्या करना बोलो, डिवाइड कर देना, तो कुछ कट रहा है क्या, देखो यहां से ये मर गया, ठीक है, ये देखो u से u चला जाएगा, f से f चला गया, v से v चला गया, f से f चला गया, तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट क्या बच रहा है देखो, तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट जो बचेगा, तो रिजल्ट क्या है बाबू बताओ, इधर से बचा 1 बाय f इज इक्वल टू यहां पे बचा 1 बाय v, और माइनस यहां पे क्या बचा 1 बाय u, और ये क्या है हमारा लेंस फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, लेंस फार्मूला जो कि डिराइव हो चुका है, तो लेंस फार्मूला होता है 1 बटा f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस क्या होता है देखते हैं, चलो फटाक से, मैंने अभी शुरुआत में मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं फटाक से, लेंस क्या, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस होता है बोलो स्मॉल m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है ब्लू रेशियो होता है, तो ये जो है मैग्निफिकेशन पावर स्मॉल m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को हम एच आई लिख देते हैं,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच नॉट लिख देते हैं या फिर एच ओ लिख देते हैं, उसका मतलब ऑब्जेक्ट समझेंगे। तो ये है फॉर्मूला। अच्छा ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, उसको मैग्निफाई करता है। तो यहां पे ऐसे समझ सकता है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस ये बताता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। यही भी देख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से कितना गुना, एम टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है साइज में या फिर कितना छोटा है, यही चीज को डिफाइन करता है कौन, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की आवर्धन क्षमता हिंदी से कहते हैं। ठीक है, अब गौर से यहां समझना, इफ m इक्वल टू पॉजिटिव, अगर m का वैल्यू क्या है ब्लू, पॉजिटिव है, m का वैल्यू क्या है ब्लू, पॉजिटिव आएगा, अगर m का वैल्यू क्या आएगा ब्लू, पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग समझेंगे m का वैल्यू अगर क्या आया ब्लू, पॉजिटिव आएगा, तो समझेंगे कि वर्चुअल इमेज होगा, कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, और वर्चुअल इमेज कैसा होता है ब्लू, इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है ब्लू, इरेक्ट होता है, और m का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, m का वैल्यू क्या आएगा ब्लू, नेगेटिव आएगा, तो समझेंगे रियल इमेज, क्या समझेंगे ब्लू, रियल इमेज, और रियल इमेज होता है इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो ये रियल इमेज होगा, और ये वाला क्या होगा ब्लू, वर्चुअल इमेज होगा। मैं अभी बता रहा हूं, देखो मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल टू हो गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको v बाय u भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ब्लू, v बाय u, तो m इक्वल टू माइनस v बाय u कब होगा, तो माइनस v बाय u मतलब m का वैल्यू नेगेटिव होगा कब, जब होगा इमेज रियल होगा या फिर इन्वर्टेड होगा, और m का वैल्यू लिखेंगे v बाय u कब, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, उस टाइम पे m का वैल्यू क्या आएगा ब्लू, पॉजिटिव आएगा। चलो चेक करके देखते हैं, तो यहां पे ध्यान समझना, गौर से देखना कि यहां पे भी जस्ट एक फॉर्म, एक हम लोग बनाए थे पिक्चर, ये मान लो कन्वेक्स लेंस है, और यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट है, और ये गया ऐसे, और ये कहां से पास करेगा ब्लू, फोकस से, तो एक फोकस से पास करा दिए, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे ऐसे, तो इमेज कहीं इधर बना, मान लो इमेज यहां पे बन गया ए डैश बी डैश पर बना। अब देखो इसका मैग्निफिकेशन पावर देखो, तो m इक्वल टू हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है हाइट ऑफ इमेज है, तो ये नीचे में है ना बाबू, तो नीचे में है तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज हो गया नेगेटिव बाय, बोलो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया h नॉट, m का वैल्यू आया नेगेटिव, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, m इक्वल टू बोलो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और ये है इमेज डिस्टेंस v, और ये राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव होगा, ये लेफ्ट साइड में है तो ये क्या होगा ब्लू, नेगेटिव होगा, तो हो गया इसमें वो लिखेंगे इमेज डिस्टेंस और बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो m का वैल्यू फिर यहां पे नेगेटिव आए, m का वैल्यू माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू, तो m इक्वल लिख सकते हैं यहां पे माइनस हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू कब होगा, कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रियल बनाएगा, तो रियल इमेज बनाएगा, तो रियल इमेज बनाएगा तो, और जब इमेज वर्चुअल इमेज बनाएगा तो होगा पॉजिटिव। चलो इसको भी देख लेते हैं फटाक से, तो ये बात तो यहां तक समझ में आ गई, ये कौन सा इमेज है बोलो, ये है रियल इमेज, यानी कि ये कौन सा इमेज है बोलो, रियल इमेज है। क्या हम वर्चुअल इमेज कभी कर सकते हैं, तो वर्चुअल इमेज कहां होता है, याद है ना, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो बनाता है इन्फिनिटी पर, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस के अंदर लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस के अंदर लेके आते हैं, तो उसका इमेज वर्चुअल होता है, ऑब्जेक्ट के साइड ही होता है, बड़ा इमेज होता है ना, तो उस केस में भी देखो उसमें m का वैल्यू क्या आएगा ब्लू, पॉजिटिव आएगा, m का वैल्यू क्या आएगा ब्लू, पॉजिटिव आएगा। चलो m का वैल्यू क्या आएगा ब्लू, पॉजिटिव, चलो देख लेते हैं, चलो तो फटाक से देखो ध्यान समझना है, ये लो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये है इसका फोकल लेंथ f1 और ये है इसका फोकल लेंथ f2, ऐसे होता है ना, इसको ऑब्जेक्ट को अंदर लेके आए, एक लाइट रे पैरेलल गुजार दो, पैरेलल लाइट रे हमेशा कहां से पास करेंगे हम लोग, फोकस से, ठीक है, और दूसरा को यहां से पास करा देते हैं। अब देखो ये दोनों डाइवर्ज हो रहा है, मतलब पीछे जाके कहीं पे मिलेगा, तो ये लोग मान लो यहां पे मिला दिए, तो इसका इमेज बन गया यहां पे, बोलो ये ए बी है
तो इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश पर। अब देखो फटाक से देखते हैं, तो एम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज इधर ही है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे, तो एच आई इस बार पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर तरफ है, बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट, देखो पॉजिटिव आया है एम का वैल्यू, ऐसे भी लेके देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस वी, तो इधर है ना, तो दोनों नेगेटिव होगा, तो लिखेंगे माइनस वी बाय माइनस यू, दोनों कट गया, एम का वैल्यू आया वी बाय यू। तो ये कौन सा इमेज है, ये है वर्चुअल इमेज, कौन सा इमेज बोलो, वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज है ना, ये वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट के साइड ही हो रहा है, और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, वो सीधा होता है, देखो ऑब्जेक्ट के तरफ ही है और सीधा इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एम का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, एम का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एम का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और एम का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब होगा वर्चुअल इमेज, पॉजिटिव का मतलब होगा वर्चुअल इमेज, बोलो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बोलो, वर्चुअल इमेज, और नेगेटिव का मतलब होगा रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। और कनकेव लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस में सारा इमेज क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट के साइड ही बनता है, बनता है ना। चलो एक केस उसका भी देख लेते हैं, तो गौर से देखना फटाक से, गौर से देखना, इन केस ऑफ कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस में क्या होगा गौर से देखते हैं, तो कनकेव लेंस ऐसा होता है, ठीक है, और ये रहा, और यहाँ पे ये है ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, ये गया, ये क्या करेगा बाबू, डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज करा दो ऐसे, अच्छा इसको मिलाएंगे हमें से कहां से पास करेगा बोलो, फोकस से, तो ये रहा इसका फोकस, ठीक है, और एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे, तो यहाँ पे इमेज बना, दिख रहा है ऑब्जेक्ट के तरफ ही बन रहा है, छोटा इमेज है बट वर्चुअल इमेज है, कौन सा इमेज है, वर्चुअल, डॉटेड लाइन आ रहा है ना, तो डॉटेड लाइन यानी कि वर्चुअल लाइट जब मीट करेगा तो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज, एम का वैल्यू देखो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, एम इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ना पहले, तो हाइट ऑफ इमेज एच आई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट, एम इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हो गया वी, पीछे है तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, अरे यहाँ देखो ये क्या है, वो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है वी, दोनों पीछे है तो नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव नहीं, एम का वैल्यू क्या आया पॉजिटिव वी बाय यू, ये कौन सा इमेज है, तो ये है वर्चुअल इमेज, ये कौन सा इमेज है बोलो, वर्चुअल इमेज, कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, इन द केस ऑफ कनकेव लेंस एम का वैल्यू हमेशा क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, क्या आएगा बोलो, ऑलवेज आएगा पॉजिटिव, ऑलवेज आएगा पॉजिटिव, क्या क्लियर हो चुका है यहाँ से, एम का वैल्यू क्या आएगा ब्रो, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस में हमेशा क्या होगा ब्रो, पॉजिटिव होगा, लेकिन कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कन्वेक्स लेंस में क्या होगा ब्रो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो सिंपल सा याद रखना, पॉजिटिव का मतलब हो गया, पॉजिटिव का मतलब हो गया वर्चुअल इमेज, नेगेटिव का मतलब हो गया रियल इमेज, दोनों में काम करेगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट लेंस के बारे में, जब दो या दो से अधिक लेंस को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, और कंबाइंड करके एक लेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो उस अकेले लेंस को उन दोनों का या उन दो या दो से अधिक लेंस का इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ यानी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, अगर दो लेंस है तो 1 by f1 plus 1 by f2, अगर तीन लेंस है तो आएगा 1 by f3 आ जाएगा, इस तरह बढ़ते चला जाएगा, और ये इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ का डेरिवेशन है। तो ये नेक्स्ट क्लास हम लोग यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू वेरी मच।